हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमीशी होनावर और आज मैं बहुत ही चटपट कुकिंग वाली रेसिपी आपके लिए लाई हूँ जो आपको ज़रूर देखनी है। बना के देखिए, चख के देखिए और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक लिखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, दिस इज़ अमीशी होनावर एंड टुडे आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू अ लवली रेसिपी विच इज़ रियली ईजी एंड फास्ट कुकिंग एंड इट विल बी प्रिपरेशन टाइम इज़ जस्ट 5 to 7 minutes। दोस्तों, जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन लोग हैं, जैसे कि जो प्याज लहसुन या अदरक नहीं खाते हैं, वो इसमें ये सब्जी बिना उसके भी बना सकते हो। और जो लोग खाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, उसको भून के उसको और भी स्वादिष्ट बना सकते हो, आपके ऊपर है बिल्कुल। तो चॉइस इज़ योर्स। फ्रेंड्स, टुडेज रेसिपी इज़ अ गुजराती रेसिपी कॉल्ड सेव टमाटर नो शाक। आज की रेसिपी का नाम है सेव टमाटर की सब्जी और आइए हम झटपट इसको बनाते हैं और इसका स्वाद का आनंद लेते हैं। दोस्तों, ये सेव टमाटर का शाक हम बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं, जैसे कि रोटी, जवार की रोटी, भाकरी, ब्रेड, थेपला, राइस। फ्रेंड्स, वी कैन हैव द सेव टमाटर का शाक, दैट इज़ अ सब्जी, विथ चपातीज, रोटीज, विथ जवार भाकरी और बाजरा भाकरी, थेपलास एंड चपातीज एंड ब्रेड। सो द चॉइस इज योर्स। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं आज मैं एक बहुत ही झटपट कुकिंग वाली वेजिटेबल बता रही हूँ। और कढ़ाई लिया है और उसमें तेल लिया है, गैस ऑन कर दीजिए, थोड़ा सा तेल लीजिए और इसमें आप डाल सकते हैं राई और जीरा। तो मैंने थोड़ा सा राई डाला है, जरूरी नहीं राई नहीं हो तो नहीं डाले, और जीरा भी डाल सकते हैं। जैसे ही राई और जीरा गर्म हो जाते हैं उसमें डालेंगे हींग। और फिर मैंने डाला है प्याज। प्याज डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर प्याज नहीं खाते तो प्याज लहसुन नहीं डालिए, वरना आप प्याज लहसुन डाल सकते हैं। तो प्याज को डालने के बाद हम भूनेंगे। थोड़ा भूनने के बाद हम उसमें और एक चीज डालेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं हूँ अमीशी होनावर और मेरा वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप जरूर अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज या दूसरे वीडियोस पसंद आ रहे कि नहीं। बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाए अलग अलग टॉपिक्स पे। तो इसको हम भून रहे हैं और थोड़ी देर के बाद और एक चीज ऐड करने वाले हैं। इसमें हम हरी मिर्च काट के डाल रहे हैं और उसके बाद हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे, मतलब कि ऐसे मैंने एकदम फाइनली चॉप नहीं किया, नॉर्मल चॉप किया है और ये टमाटर इसमें डालूंगी। वेल फ्रेंड्स, राई जीरा का तड़का होने के बाद अनियन थोड़ा सा और पिंक हो जाने देंगे और फिर हम डालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, टमाटर। हरी मिर्च मैंने एक डाली है, लाल मिर्च थोड़ी डालेंगे। हम इसमें डेफिनेटली हल्दी यानी कि टर्मरिक डालेंगे और धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी इजी रेसिपी टू कुक एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू राइट नाउ आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्जन ऑफ हिंदी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं थोड़ी सी हल्दी डाल के इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये अपना अनियन जो है वो भून के रेडी है। अब हल्दी डाल दी है, अब थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। अब इसमें मैं थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, एक हरी मिर्च डाल दी है। वेल, वैसे मैं जनरली लाल मिर्च यूज नहीं करती हूँ कुकिंग में, लेकिन आज हल्का सा, जस्ट अ पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर। और ऐसे इसको हम भूनेंगे, बस केवल 1 या 2 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। देखिए, जो अनियन नहीं खाते, जिंजर गार्लिक नहीं खाते, वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, आपको डालने की जरूरत नहीं है। और इतना सिंपल सी सब्जी है, ये 1 मिनट 2 मिनट में ये टमाटर भी भून जाएंगे। इसमें हल्का सा पानी डाल रही हूँ और हम गुजराती है इसलिए हम थोड़ी शुगर ऐड करते हैं, आपको शुगर ऐड करना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसमें उबाल आ गया है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो अब हम लोग भेलपुरी सेव पूरी बनाते हैं और उसमें जो सेव यूज करते हैं पतली सेव, वो आपको इसमें डाल देना है और डालते ही 1 मिनट हिलाकर गैस बंद कर देना है।
मतलब ये 5 मिनट्स के अंदर ये रेसिपी बन जाती है। हम इसको बोलते हैं सेव टमेटानु शाक, मतलब कि सेव और टमाटर की सब्जी। धन्यवाद। वेल फ्रेंड्स, लेट्स प्रिपेयर द सेव टमेटा सब्जी वेरी फास्ट। सो टेक सम ऑयल, हीट इट, एड सम क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड इज ऑप्शनल, एड एसाफेटिडा विच इज हिंग, एंड देन पुट द अनियंस, अनियन, जिंजर एंड गार्लिक इज ऑप्शनल। If you do not put the onion, ginger, garlic, it's okay. And if you put it, you can saute it. Add some tomatoes. After adding the tomatoes, add some green chili, some red chili powder, some 1 glass of water, salt, turmeric powder, coriander powder, and again garam masala is optional. Just give it a boil for 1 minute and add some coriander to it and add some save to it. The minute you add save, within half a minute, you can switch off the gas and serve it in a serving bowl and enjoy the dish. Friends, this is Amishi Onawar signing off. Do like, comment and subscribe my channel and enjoy the Gujarati Sev Tamatanu Shak and write a feedback to me. Thank you. Goodbye.